सीधी के ये जन सुनवाई मा जो जिला पंचायत में हो रही वहाँ छात्र संगठन पहुँचे हैं। छात्र संगठन जो है सीधी मा संजय गांधी के माँ दुई कॉलेज है, एक गर्ल्स कॉलेज है और एक बॉयज कॉलेज, मतलब एक जो है कोएड कॉलेज है जो उन्हें माँ गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ाते। अब वो कॉलेज में एडमिशन के लेके छात्र जो है सशंकित है कि उनका एडमिशन नहीं हो पावल लगा, कहे कि कहा थे कॉलेज प्रबंधन ये कह रहा है कि सल की सीट भर चुकी है। हालात ये है कि अब दर दर छात्र जो है जो देश के भविष्य आई वो भटके का मजबूर है। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करें तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे, शुरुआत करी थे या बेहद दुखद खबर के कि जब कहा थे कि अपने घर में हमका दाना पानी न मिल पाई तो आखिर हमका दूसर को अपनाई। सवाल बेहद बड़ा है, केहू के मातारी बाप के लगे इतना पैसा नहीं आए कि प्राइवेट में पढ़ाए पावे तो का सीधी के गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं पढ़ाई जाए, इसका सवाल सबसे बेहद बड़ा है। जबकि अधिकार है प्राचार्य का कि 25% जो है सीट बढ़ाए दें, तब हालात यह कि छात्र जो है दर दर भटके का मजबूर हैं। हमारे साथ ये छात्र अखिल भारतीय छात्र संगठन के जो है कार्यकर्ता और छात्र जो है मौजूद है, का नाम है अपना? शिवम शुक्ला। यह बताइए कहाँ है मांग अपना, पचन के मांग का लेके? हम लोगों की मांग है कि 25% सीट बढ़ाई जाए जिससे सैकड़ों छात्र जो ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं उनका प्रवेश से वंचित हैं। 60% अंक प्राप्त छात्र छात्राएं भी प्रवेश से वंचित हैं। CLC सेकंड राउंड की लिस्ट आ गई है लेकिन अभी भी उनका प्रवेश नहीं हो पाया है, जिसमें हम लोगों की कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग है कि 25% सीट बढ़ाई जाए जिससे सभी का प्रवेश हो सके। जहाँ आज अपना पचन जन सुनवाई में आए रहन का मांग रखे ना अपन? हमारा पचन की एक सूत्री मांग है 25% सीट बढ़ाई जाए। तो बढ़ाई काहे नहीं जा लगे, वो आखिर एडमिशन काहे नहीं हो लगा छात्र? क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, इनको जानकारी ना के अभाव में और वहाँ कॉलेज प्रशासन की जो व्यवस्था है अनियंत्रितता के कारण इनका प्रवेश नहीं बनता। शोर सिफारिश लागत ही वहाँ बहुत ज्यादा शोर सिफारिश लगती है। जो कम अंक प्राप्त छात्र हैं उनका प्रवेश हो गया है और जो 60-65% अंक प्राप्त छात्र हैं उनका एडमिशन नहीं। चलिए ठीक है, कहाँ नाम है अपना? अतुल द्विवेदी नाम। कहाँ बताई लगे अपना, कहाँ जानकारी? यहाँ कॉलेज में पैसा ले के भी काम किन जाते हैं। कहाँ काम किन जाते हैं? यानी लड़कियन के एडमिशन करावा जाता है लोग अपना दिखे हैं जी हम यानी दिखे हैं कि कौनो ऐसा अधिकारी के नाम कर्मचारी के नाम केहू के नाम नहीं ले सकी डायरेक्ट। हाँ। कि यानी बाद में हमारे ऊपर दबाव आवे मगर जानी थे अपना जानी दिखे हैं। हाँ, जानी थे कि पैसा लगे नहीं है पैसा ओकर एडमिशन नहीं हो रहा है। जेके लगे पैसा है वो बराबर पैसा दे के अपन एडमिशन करा रहे हैं। जे बड़े घर की लड़कियाँ हैं और यानी जेखा गरीब जो लड़कियाँ वो दे नहीं सकते पैसा। चलिए ठीक है, हम उन लोगों से हमारे साथ छात्रा है वह कॉलेज के अपनों बचे अपन मांग लेके आई, कहाँ ना हो अपना जी? हमारा नाम कीर्ति मिश्रा है। कीर्ति जी ये बताइए का समस्या का है अपना बच्चे इनका जो आज जन सुनवाई में आवे पर? समस्या ये है कि सीट नहीं बढ़ पा रही है। 25% सीट बढ़ाने की मांग की गई थी जिसमें बताया जा रहा है कि जो ऊपर से सीट बढ़ी हुई है कुछ 10-20% मुझे नहीं पता है, कुछ बढ़ाई गई थी सीट जिसमें कुछ छात्रों का एडमिशन हो गया है और बहुत से छात्राएँ छूट भी गई हैं जो कि संडे को एडमिशन वो फॉर्म हो रहा था भरा रहा था, तो जिनको पता था वो तो अपना संडे को आके फॉर्म फिल करवा दिए तो उनका एडमिशन हो गया है और कुछ हाई परसेंट वाले बच्चे भी छूट गए हैं जिनके लिए हम तो अपना के जो साथी हैं वो भी आरोप लगाएं कि पैसा लेके एडमिशन होते थे, अपना ये बात से इत्तेफाक रखी थे? नहीं, हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पैसा लेके किया जाता है या कैसे भी, मैं ये नहीं कह सकती हूँ। अपना कितने ऐसा लोगों का जानी थे जे में एडमिशन से जो है नहीं हो पावा उनका? बहुत से ऐसे हैं जैसे ये है इनकी बहन का नहीं हो पा रहा है, बोल रही है कि 75% है और इसीलिए हम चाहते हैं कि कलेक्टर साहब से अपील किए हैं कि हमारी सुनवाई की जाए और 10% हो सके या 15% तो सीट बढ़ाई जाए, जो छात्र बच रहे हैं उनका एडमिशन हो, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूलों प्राइवेट कॉलेजों को दे के पैसा फीस भरें और अपना पढ़ाई का आगे पढ़ा सकें, क्योंकि हमारे निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी समस्या है। अपना बच्चे ग्रामीण अंचल से आबत है, ग्रामीण अंचल में भाई सीधी उनका जो है बड़े शहरन जैसा है और सीधी वाले इनका रीवा बड़ा शहर जैसा है, तो यह में स्थिति है कि भाई गाँव में लोग यह एक आदिवासी अंचल है, यहाँ कृषि आधारित लोग हैं, अपन गेहूँ धान जो है और जो है बेच के अपन बिटियन के काज तक करा थे, तो समझे लायक बात थी कि यह एक गरीब क्षेत्र है जहाँ हर कोहू का लागत है कि भाई हमारा एडमिशन जो है सरकारी कॉलेज में हो जाए, कम पैसा में कम फीस में हमारा जो है पढ़ाई पूरी हो जाए। हमारे साथ का नाम है अपना के? श्यामा रावत। ये बताइए कब कैसा अपना के एडमिशन अपनों के नहीं भाई या केहू करावे आ रहे हैं? सर हम अपने बहनी के करवावे आ रहे हैं लेकिन उनका 75% है, कल भी आ रहे हैं तो कल जैसे पहुँचे तैसे कहीं कि सीट नहीं खा लिया है, फिर बैठे रहन कुछ देर में लड़कियां निकली तो बोलीं कि हमारा तो फॉर्म जमा हो गया, अब आज जैसे आन तो बोलीं सीट नहीं खा लिया है, फिर कुछ लड़की संजय गांधी कॉलेज में गए सर बोलीं कि सीट नहीं बेटा पता करते रहना,
हम कहें ठीक है सर, फिर गर्ल्स कॉलेज जमा, फिर लड़कियाँ बोलें कि हमारा फॉर्म जमा हुआ। सर हम दो दिन से इला है सिस्टर के लेके तो फॉर्म नहीं जमा होला। नहीं तो ये बताइए कि जैसा का है कुछ सेटिंग सिफारिश चल रही का तो सर, जैसे लड़की जमा कर लाई हैं हम लोग को भगाए दिन और लड़कियन के जमा कर दिन तो इसोरे सिफारिश से ना होला है। तो आप लड़कियन के ओरन जमा कर लिए हम पचन का भगाए दिन फार्म फेंक दिन कि आज सीट नहीं खाली है, कल भी बोलिन की सीट नहीं खाली है, आज भी बोलिन की सीट नहीं खाली है। तो अपना के लिए सिफारिश नहीं है तो अपना के बताओ फार्म में चिपके। हाँ जी सर, यह हो लग है जी। चलिए देखिए कितना यह जो है स्थिति है, दुखद स्थिति है कि मतलब छात्रन के भविष्य के साथ खुले हम खिलवाड़ हो रहा है। हालात यह है कि मतलब ये जो है आपन जो है सीधे तौर से अधिकार जो हुआ है वह अधिकार तक नहीं ले पा रहे हैं। तो सोचिए कि का स्थिति हो गई ही, का स्थिति बनाए दी गई। का नाम है अपना के? देवी चरण कौन। कब से अपना के ये फॉर्म जमा कर ला है किंतु नहीं ली जा लगा? हम 5 दिन से आई थी फॉर्म जमा करे, वहाँ कुटेली से यहाँ से 54 किलोमीटर दूर है कुटेली, वहाँ से आई थी जमा करे थे फॉर्म जमा नहीं लेते, नाम आओ लिस्ट में जाब तो वहाँ सभी जगह के वहाँ जमा करे थे फॉर्म, हमारे लेके जा फॉर्म तो वहाँ से कहीं की जा बाद में फॉर्म जमा हुई। नहीं तो पूछन नहीं काहे ये में करी लागे हमारे साथ सर जी से, हम पूछन कि सर जी काहे ये में रहो लाए, सर जी बोलने कि 70% की बात हुई, मतलब कि 70% जी अगर 70% तक रहे वही भर के हुई या संजय गांधी में। हाँ यह सर जी बोली। चलिए ठीक है, अब देखिए यह हाल है जब देश के भविष्य के, तो फिर आगे अन्य चीजन में अपना समझ सकी थे कि यह का होत हुई। का नाम है अपना? अजय मिश्रा नाम है। अजय जी कहाँ से आए अपना? अपना ये उपनी गांव से आए हैं। अपना एडमिशन ले आए रहे हैं नहीं पान कहीं पौबे करब लागत है ये चालू ये है। अगर कंडीशन रही आई तो एडमिशन तो शायद ना हो पाई। तो आज विज्ञापन दी है कलेक्टर साहब पर, अगर सीट बढ़ी आती तो एडमिशन हो सकती है। फार्म वार्म ले सीट बढ़ी जाए तो लड़का तो बहुत हो गए। हाँ तो कहाँ है उम्मीद की अपना को पाई जाए? कई परसेंट है? 60% बीएससी हो के है उम्मीद। या मेरे कॉलेज के रवैया देख के तो नहीं लागे कि एडमिशन हो पाई। शोर सिफारिश नहीं है अपना पचन के लगे, पैसा वैसा नहीं है तो दे दे तो हो जाए। नहीं इतना पैसा हो तो फिर प्राइवेट में आदमी एडमिशन करवा लेता है कि वो कहा तला कि पैसा रुपया दे से शोर सिफारिश से हो जाते। नहीं ऐसा नहीं है, जो पकड़ पहचान है तो हो रहा है एडमिशन। का पकड़ है, का पहचान है, कहूँ मैं होती कॉलेज में प्रोफेसर लोगन से जेखर पकड़ है पहचान है उनका एडमिशन हो ही रहा है, जेखर नहीं है उनका दाग के भगा दिन जाते हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ जो है ये देखिए छात्र संगठन है जो अपन दर्द और अपन जो है हर बात जो है वक्त व्यक्त करी ना अपन बात। और साफ तौर में यह कहीं कि यहाँ जो है शोर सिफारिश वाले के एडमिशन हो रहा है, और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अब छात्र जो है भारी संख्या में एडमिशन खिती आ रहे हैं, तो यदि प्राचार्य के लगे 25% सीट बढ़ावे के अधिकार है तो आखिर काहे नहीं बढ़ाई जा लग गया है? सबसे बड़ी बात यह ही, किंतु अब देखो दिलचस्प हुई कि अब आवेदन कलेक्टर के लगे पहुँच चुका है, मामला कलेक्टर के लगे पहुंच चुका है, तब देखा भी है दिलचस्प हुई कि का सीट बढ़ाती या फिर छात्रन के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ होता है। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।